हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तरुणप्रीत कौर ऑफ GMHS 38 वेस्ट. वी विल डू एक्सरसाइज 4.1 ऑफ क्लास 6. फर्स्ट क्वेश्चन, यूज़ द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स. मतलब हमने ये फिगर देख कर, ये वाली फिगर में हमने 5 पॉइंट्स बताने हैं, 5 बिंदु बताने हैं. इनमें से जो भी ये डॉट्स लगी हुई हैं, ये सभी बिंदु हैं. तो इसलिए हम इसको पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट बी, पॉइंट सी, या बिंदु सी, बिंदु बी, बिंदु ओ, बिंदु ई, बिंदु डी लिख सकते हैं. और लाइन ए, एक रेखा बतानी है इसी फिगर में, एक रेखा बतानी है. हम देख बता सकते हैं डी बी एक रेखा है, क्योंकि इसके दोनों तरफ ये एरो का पॉइंट लगा है. इसका मतलब हम इसको दोनों साइड पे इंक्रीज कर सकते हैं. तो डी बी इज अ लाइन और डी बी एक रेखा है. फोर रेज, चार किरणें बतानी हैं. किरणों का मतलब है हमें एक पॉइंट फिक्स लेना है और एक पॉइंट जो आगे मूव हो सकता है. जैसे डी बी ये हमारा डी पॉइंट फिक्स हो गया और हम बी को बी की साइड पे इंक्रीज कर लेंगे तो हमारा ये डी बी हो जाएगा. और हम इसको लिखेंगे इस तरह डी बी. ये एरो, ये वाला एरो का साइन है, ये बताएगा कि ये एक किरण है, ये एक रेखा है. किरण डी बी के लिए हम ये इस तरह लिखते हैं कि डी पॉइंट फिक्स्ड है और बी की साइड से ये इंक्रीज कर रही है. जब हमने रेखा डी बी लिखी है तो इसके दोनों साइड पे एरो डालेंगे कि हम इसको डी वाली साइड पे भी इंक्रीज कर सकते हैं और बी वाली साइड पे. नेक्स्ट, हमने 5 लाइन सेगमेंट, 5 रेखाखंड बताने हैं. 5 रेखाखंड में डी ई एक रेखाखंड है, डी ओ एक रेखाखंड है, डी बी एक और रेखाखंड है. यानी कि हमें लाइन सेगमेंट्स बताने थे. डी ई इज़ अ लाइन सेगमेंट, डी ओ इज अ लाइन सेगमेंट, डी बी इज अ लाइन सेगमेंट. जिनकी फिक्स लेंथ होती है उनको हम लाइन सेगमेंट्स कहते हैं. तो इन सब की फिक्स लेंथ है क्योंकि इसके दोनों पॉइंट फिक्स्ड हैं. देयरफॉर दीज आर लाइन सेगमेंट. और हम इसको लिखेंगे इस तरह डी बी, ऊपर एक सीधी लाइन लगाएंगे रेखाखंड के लिए. नेक्स्ट, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम. हम कोई भी एक लेटर रख लेंगे कि ए, ए के बाद ए बी, ए सी ए डी, बी ए बी सी बी डी, सी ए सी बी सी डी, इस तरह हम लिखेंगे. लेकिन जब हमने ऑल पॉसिबल वेज में हमने लाइंस बतानी है तो जहाँ पे भी हम लाइन लिखेंगे ए बी, उसके ऊपर दोनों साइड का एरो लगाएंगे, दोनों साइड पे एरो आए. नेक्स्ट है यूज दिस फिगर. मतलब हमने अभी इस फिगर को देखना है और इस फिगर को देख के ये वाले क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं. पहला क्वेश्चन है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, एक ऐसी रेखा जिसके ऊपर ई बिंदु है. अब हम रेखा देखते हैं, ये रेखा है ए ई, एक रेखा है जो दोनों साइड से इंक्रीज हो सकती है. तो इसके ऊपर बिंदु ई है तो हम लिख सकते हैं ए ई रेखा है. लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन जो ए में से पास करती है, ए से गुजरने वाली रेखा, तो ए से गुजरने वाली रेखा हम ए डी भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ए ई भी लिख सकते हैं. यानी कि ए बिंदु ए से गुजरने वाली रेखा हमारी होगी ए ई. लाइन ऑन विच ओ लाइज, एक ऐसी रेखा जिसके ऊपर जिसके ऊपर है ओ बिंदु, तो ऐसी रेखा हमारी ओ सी सी ओ हो गई. नेक्स्ट है हाउ मैनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू फ्रॉम 1 गिवन पॉइंट. अगर हमारे पास एक ही पॉइंट गिवन है तो हम उससे कितनी लाइंस बना सकते हैं. अगर हमारे पास ये पॉइंट है तो हम उससे इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं. एक पॉइंट है ना, तो हम उसके ऊपर से अनंत रेखाएं बना सकते हैं. एक पॉइंट से हम अनंत रेखाएं बना सकते हैं. फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स, अगर हमें 2 गिवन पॉइंट्स हैं, ये 2 गिवन पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करके सिर्फ एक ही रेखा बनाई जा सकती है. एक पॉइंट, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ही रेखा बना सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से हम अनंत रेखाएं बना सकते हैं. ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सूटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक ऐसी फिगर बनानी है जिस पे पी लाइज ऑन ए बी. ये देखो मैंने आपको बताया था, ये देखो ए बी का मतलब अब हमने ए बी लाइन सेगमेंट बनाना है क्योंकि इसके दोनों साइड पे एरोज नहीं है. ये वाली दोनों, ये जो दोनों हैं जिसके देखो दोनों साइड पे एरोज हैं, यहाँ पे हमें लाइंस बनानी है.
जहाँ पे हमें लाइंस बनानी है क्योंकि इसके दोनों साइड पे एरो है। तो इस चीज़ का जब भी आपने पढ़ना है ध्यान रखना है कि आपने जो भी नाम दिया है उसके ऊपर दोनों साइड पे एरो है, एक किसी भी साइड पे एरो नहीं है या एक साइड पे एरो है। अगर किसी भी साइड पे एरो नहीं है तो वो लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड है, अगर दोनों साइड पे एरो है तो वो लाइन है यानी कि रेखा है, अगर एक साइड पे एरो है तो वो किरण है यानी कि रे है। थैंक यू।